ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री समिट को लेकर उद्योगपतियों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। इस समिट में अडानी से लेकर गोदरेज तक ने निवेश को लेकर कई घोषणाएं की। अकेले अडानी समूह ने गुना शिवपुरी में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। इस निवेश के तहत अडानी ग्रुप यहां पर सीमेंट प्लांट, डिफेंस यूनिट और जैकेट बनाने की फैक्ट्री लगाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समिट के आयोजन के लिए सीएम मोहन यादव का धन्यवाद भी किया। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और जहां और यही उद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो, वही अडानी ग्रुप ने केवल उद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री समिट को संबोधित करते हुए सिंधिया ने यहाँ के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के विकास की पूरी गाथा गा दी। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए जिन कार्यों को उनके पूर्वजों ने शुरू किया था, उन कार्यों में सीएम मोहन यादव ने पंख लगा दिए हैं। द ट्रू मेकर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर, ग्वालियर के शिल्पकार जिन्होंने वर्तमान की भी एक कल्पना मॉडर्न ग्वालियर, आधुनिक ग्वालियर की थी, माधव महाराज द्वितीय, ये भी मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं माधव महाराज प्रथम कहता था, मोहन यादव जी ने, जो इतिहास के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत कह रहे हो आप, माधव महाराज प्रथम महाजी महाराज थे, माधव महाराज द्वितीय ने जो मॉडर्न ग्वालियर की कल्पना की, जहां उस जमाने के उद्यमी घनश्याम दास बिरला जी को ग्वालियर में लाकर जैसे आज मोहन यादव जी प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे ही माधव महाराज ने उस समय प्रोत्साहन दिया। यहां सिमको को बसाया, यहां जेसी मिल्स, जिवाजीराव कॉटन मिल्स को बसाया, अनेक संयंत्र लगे। ग्वालियर में पहली लेदर की फैक्ट्री 1912 में स्थापित हुई। ग्वालियर पॉटरीज, जो पूरे देश में नहीं विश्व में जाना जाता था, जो आज एयरपोर्ट में हमने लगवाया है ग्वालियर की पॉटरीज, वो ग्वालियर पॉटरीज की स्थापना की। पूरे क्षेत्र में अधोसंरचना, उस जमाने में रेल की कोई कल्पना नहीं करता था, ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी की रेलवे लाइन लगवाई। आपको बता दें कि ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये भी आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव लगातार राज्य में ऐसे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवा रहे हैं जिसकी शुरुआत फरवरी में उज्जैन से हुई थी। इसके बाद जुलाई में जबलपुर में भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवाया गया और अब ग्वालियर में भी इसका आयोजन सफल रहा है। हालांकि ग्वालियर कॉन्क्लेव पिछले 2 कॉन्क्लेवों से ज्यादा सफल रहा, क्योंकि इलाका कई बड़े रोड कॉरिडोर के पास मौजूद है और यहाँ विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।